गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MR व्लॉग्स। आज एक्चुअली लेट जा रहा हूँ क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पेपर है और जिसके वजह से हमें स्कूल को छुट्टी दिया है और टीचर्स लोग को थोड़ा सा लेट बुलाया। यूजुअली 7:06 का ट्रेन पकड़ना था बट अभी मुझे 7:04 हो रहे हैं और जस्ट अभी घर से निकला हूँ। 2 मिनट में स्टेशन पहुँचना इम्पॉसिबल है, अगर गाड़ी भी होती तो भी 2 मिनट में पहुँचना इम्पॉसिबल हो जाता है। कट टू कट 7:06 का ट्रेन तो फिर बात ही छोड़ दो। अब 7:06 का ट्रेन ही क्यों, क्योंकि उसमें पनवेल से एक सर है, उन्होंने कहा था कि उसी ट्रेन में हम लोग साथ में जाएंगे, उसकी वजह से। और इसमें इतना कुछ नहीं था। 8:30 का ड्यूटी है, अभी 7:04 हो रहे हैं, पहुँचने के लिए मैक्सिमम 25 मिनट्स लगेंगे, तो मैं टाइम के हिसाब से क्या बोलेंगे 1 घंटा पहले ही हूँ, तो इतना कुछ मगर जाने वाला बात नहीं है। तो आज का शेड्यूल है, अभी जाएंगे स्कूल में, स्कूल से फिर 10th का एग्ज़ाम जो है वो 10:30 को वो लोग क्लास में आएंगे, तो 10:30 से लेके 2 बजे तक हम लोग को फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उसके पहले जो भी रहेगा फ़ोन के ऊपर मतलब टाइम पास। 2 बजे के बाद हम लोग पेपर सबमिट करेंगे, उसमें बन जाएंगे 2:30 और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो आज एक्चुअली कल जिम में जब मैं गया था तो मेरा पुराना पार्टनर मुझे मिला था और उसने मुझे कहा था कि कल से हम लोग साथ में वर्कआउट करेंगे, बट आज शायद से मुझे लेट होगा। देखते हैं आगे कैसा क्या, अगर घर पे आके तुरंत एक छोटा सा पार्ट अगर मैं शूट कर सका तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बता सकूँगा कि क्या हुआ है या फिर क्या नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि आज का दिनचर्या, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जब भी कभी मैं घर पे आता हूँ या फिर जब भी कभी मुझे व्लॉगिंग करने के लिए टाइम मिलता है। ठीक, बाय बाय। हाँ, जस्ट अभी घर पे आया मैं, पसीना पसीना फुल गर्मी है। आज का 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पेपर था, इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं, जो अदर मीडियम्स होते हैं हिंदी मराठी उर्दू कन्नड़ गुजराती ये सब जो मीडियम्स होते हैं उनका आज फर्स्ट पेपर था, उनका फर्स्ट लैंग्वेज, तो उनका अच्छा गया होगा पेपर मेरे हिसाब से। और क्या बताना था, 3:30 बज चुके हैं, ऑब्वियसली लेट हुआ है थोड़ा सा, अभी खाना खा के जिम में भागना है। 4 बजे मुझे जिम में कैसे भी करके टच होना है, क्योंकि कल मैंने जिनको वादा किया था कि मैं उनके साथ वर्कआउट करूँगा तो वो लोग बोले कि मैं हम लोग 4 बजे तक रुकेंगे, तब तक हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, तो 4 बजे कैसे भी करके तू आ जा। अभी राइट नाउ एग्जैक्ट टाइमिंग अगर बोलेंगे तो 3:42 हो चुके हैं, खाना खा के फिर निकलना है। बिना खाना खा के जाओ या खाना खा के जाओ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया तो नहीं हूँ, लेकिन अगर अभी खाना खा लूँगा तो फिर 30-40 मिनट्स उसको डाइजेस्ट होने के लिए देना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली फिर जिम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उतना अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं होने वाला, पता नहीं कैसे क्या करना है। भाई भी घर पे नहीं है, शायद से वो स्कूटी लेके कुछ काम के वजह से वो गया है, तो फिर जिम जाना है, जिम के बाद फिर अपना व्लॉगिंग एंड होगा। यूजुअली हर दिन का रूटीन अभी यही बन रहा है मेरा, मॉर्निंग पे व्लॉग स्टार्ट होगा, मतलब कभी कभार डिपेंड है कि मैं किस चीज़ के ऊपर व्लॉग कर रहा हूँ। अगर लाइफस्टाइल पूरा हो रहा है तो फिर मॉर्निंग, उसके बाद फिर घर पे आने के बाद एक छोटा सा पार्ट जैसे अब भी शूट हो रहा है, खाना वगैरह खा के जिम विम करके और फिर उस व्लॉग का एंड, तो कुछ दिनों तक यही रूटीन रहेगा। अगर कुछ खास होता है नहीं होता है वो डिपेंड करता है उस व्लॉग के ऊपर। आज के व्लॉग में मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, मतलब लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, मैं बस अपने बारे में बता रहा हूँ, तो अगर इन्जॉय कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो फिर अब तक लाइक कर दो, ठीक है ये वाले व्लॉग को। अरे यार इधर तो अलग से दिख रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, पहले फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, जिम में जाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है। प्लान में हल्का सा चेंज हो गया, जिम को निकल रहा हूँ राइट नाउ, इट्स टाइम 3:51 और कुछ खाना नहीं खाया है। प्लान में यही सिर्फ चेंज है कि कुछ खाना नहीं खाया और कुछ नहीं, इसके पीछे रीज़न ये कि हम लोग ने क्या बोले थे, प्रॉमिस किया था कि मैं 4 बजे आपके साथ वर्कआउट करूँगा, तो फिर मैं ऐसा इंसान हो कि मर जाऊँगा लेकिन अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो अभी खाली पेट एक्चुअली जिम नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, आपको चक्कर आ सकते हैं अगर खाली पेट ज़्यादा वेट उठाया या फिर क्या बोलते हैं उसको, मसल लॉस होगा। लेकिन मैं ये आज के दिन ही कर रहा हूँ, हमेशा तो मैं खाना खा के ही जिम करता हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं चाहिए, इतना कुछ होने वाला है भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सा वर्कआउट करने वाला हूँ, ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं जाने वाला। तो अभी जिम जाते, उसको कॉल करने वाला था कि मेरे लिए रुक जा करके, लेकिन ऑलमोस्ट 3:51 हो चुके हैं, 10 मिनट बाकी है जिम के लिए, तो
तो फिर 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है, इधर ही नज़दीक है। तो फिर वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट कैसे हुआ या फिर वर्कआउट कैसे होने वाला है ये आपको मैं जिम के बाद बताऊँगा। ठीक है, बाय बाय। मानना पड़ेगा मुझे खाली पेट भी एक अच्छी तरह से एक वर्कआउट किया मैंने चेस्ट का, हालांकि उतना वेट नहीं मार पाया जितना मैं पहले मारता था, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के साथ ही मैं ट्रेन कर रहा था। हालांकि उसका भी ज़्यादा गैप हुआ था, तो उसने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि इतना वेट तू मार करके, लेकिन कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा वेट जो होता है वो उन्होंने यूज़ किया। 15, 20 and 25 kg डंबल प्रेस ऑन इंक्लाइन, डिक्लाइन एंड फ्लैट, ये तीनों भी चीज़ पे। देन बटरफ्लाई में हम लोग ने 100, 110 and 120 kg का हम लोग ने क्या बोलते हैं उसको वर्कआउट किया। रिपीटेशन मेरा उसमें ज़्यादा नहीं था, हार्डली 10 repetition ही जा रहे थे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि खाना नहीं खाया तो फिर भूख लगती है, एंड भूख लगती है तो फिर दिमाग नहीं चलता, और दिमाग नहीं चलता तो फिर बॉडी का वर्कआउट भी नहीं होता। ये फिर सब फिजूल की बात है, कहने का मतलब ये है कि खाली पेट जिम मत करो अगर आपको आदत नहीं है तो। मुझे भी वैसी आदत नहीं है, इसके वजह से मैं ये आपको सजेशन दूंगा। तो अभी घर पे जाके पहले फ्रेश होके खाना वगैरह खा के मस्त इस वीडियो को एडिट करके फिर इसको अपलोड करने के लिए डालना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाना, या फिर अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करो। ठीक है, बिना लाइक किए मत जाओ, शेयर करो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गो 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 ऑन एंड डू इट नाउ, फील योर लाइफ विद एक्सपीरियंस, नॉट थिंग्स, हैव स्टोरीज टू टेल, नॉट स्टफ टू शो। सी यू गाइस।